हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 को लेकर यहाँ पर अपडेट आई है। मैंने कल आपको बताया था कि आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है 20 स्टूडेंट के द्वारा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि 4 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है, आपको पता होगा। तो क्या पोस्टपोन्ड हुई है या नहीं हुई है, कोर्ट का क्या फैसला है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हटाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आते ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, देख सकते हो यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें 4 अक्टूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। तो यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका वो खारिज हो चुकी है, और अब दोस्तों आपका यूपीएससी एग्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 अक्टूबर को ही होगी। यूपीएससी प्री एग्ज़ाम सरकार को लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को एक और मौका देने को कहा। इसके बाद में कहा, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण देरी से आयोजित हो रही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को 4 अक्टूबर से और आगे बढ़ाने से बुधवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एएम खानवालकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ने आयोग की ओर से दी गई दलीलों पर भरोसा जताते हुए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के 20 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। आयोग ने दलील दी कि अब परीक्षा टालने का असर अगले साल की परीक्षा पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस परीक्षा के आयोजन की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं, और अब इसे यदि टाला जाएगा तो आयोग को करोड़ों रुपए की चपत लगेगी। आयोग की ओर से कहा गया कि परीक्षा उम्मीदवारों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय किए गए हैं। खंडपीठ ने कहा कि हाल ही में दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है कि परीक्षाओं के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की मानक परिचालक प्रक्रिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस से संक्रमित उम्मीदवारों को किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे उम्मीदवारों तक वायरस है वो फैल सकता है। न्यायालय ने कहा कि इस साल की परीक्षा को अगले साल की परीक्षा के साथ संयुक्त रूप से आयोजित करवाना संभव नहीं है, यानी कि छात्रों ने लगाया था कि इस साल और अगले साल की दोनों यूपीएससी एग्जाम हो वो एक साथ करवा ली जाए, पर यहाँ पर मना कर दिया है। यूपीएससी का हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आखिर प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में न बैठ पाने की स्थिति में एक और मौका मिलेगा। आयु सीमा के लिहाज से इस साल परीक्षा में न बैठ पाने वाले कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी। यूपीएससी को स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी के हिसाब से जरूरी उपाय करने होंगे, सभी को उनकी सूचना देनी होगी। खांसी और जुकाम वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में अलग कमरों में बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। अलग अलग राज्यों में वहां के हालातों को देखते हुए अलग अलग एसओपी लागू किया जाएगा। कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड के आधार पर होटलों में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अन्य उम्मीदवारों को खतरा न हो इसके लिए कोरोना संक्रमित रोगी को परीक्षा में न बैठने की अनुमति होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हटकर ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।